सीतापुर में 29 मार्च यानी होली के दिन एक लड़की के साथ गैंगरेप प्रकाश में आया था, जिसको लेकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के उद्देश्य से समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में और पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मेहरा की अध्यक्षता में कृषि भवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में और पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मेहरा की अध्यक्षता में कृषि भवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। बताया जाता है कि शाहपुर में हुई 29 मार्च यानी कि होली के दिन शाहपुर थाना अंतर्गत एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही समतामूलक पार्टी के सदस्यों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन की। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भी भेजा है। हमारी मांगे है जो 29 मार्च को होली के दिन में 11 बजे एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसको सभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और बच्ची को न्याय दिलाया जाए। और हमारी मांग यही है कि एसपी साहब ने बिना जांच किए ही ऐसा बयान दिए जो आरोपी के पक्ष में है और बच्ची को बच्चलन साबित करना चाह रहे हैं। ये घटना शाहपुर थाने की है और हमारी सरकार से मांग है कि एसपी को उस बयान से माफ़ी मंगवाया जाए और एसपी साहब पर भी कार्रवाई की जाए और सभी आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जाए। आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे आगे क्या आप लोग? हमारे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन चालू होगा। यहाँ नहीं, आरा भी नहीं, हम लोग आप पटना में भी आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आरोपी का सही से गिरफ्तारी नहीं हुआ, अगर लिपापोती अगर बंद नहीं हुआ, तो इससे भी बड़ा पूरा बिहार में भी बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग करेंगे। मेरा परिचय विजय मेहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष समतामूलक समाज पार्टी।